स्वागत आपका, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। इस वक्त एक बड़ी खबर से आइए शुरुआत करते हैं। जम्मू के रियासी में जो आतंकी हमला हुआ है उससे जुड़ी अपडेट आपको देते हैं। इस हमले में राजस्थान जयपुर के चौमू के पांचिया की ढाणी के चार लोगों की जान गई है। चौमू विधायक शिखा मीर पांचिया की ढाणी पहुंची है। ये सीसीटीवी तस्वीरें आप देख रहे हैं उस घटना की, जब ये बस वहां से गुजर रही थी। मृतक राजेंद्र सैनी ममता सैनी के परिजनों से मुलाकात की है विधायक। आतंकी हमले में पांचिया की ढाणी की बेटी पूजा सैनी की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मृतक पूजा सैनी और उनके पुत्र टीटू की भी मौत हो चुकी है। पूजा के पति पवन सैनी भी यात्रा में साथ गए थे। आतंकी हमले में हरमाड़ा निवासी पवन सैनी की हालत गंभीर बताई जा रही है। धार्मिक यात्रा पर जयपुर से पांचों ट्रेन से एक साथ गए थे। जम्मू में लोकल बस से धार्मिक स्थलों की यात्रा की जा रही थी। विधायक ने आतंकी हमले की निंदा की और केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से मदद का आश्वासन भी दिया गया है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, उनकी तरफ से भी मदद का भरोसा दिया गया है स्थानीय स्तर पर। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी न सिर्फ इस दुर्घटना को लेकर दुख जाहिर किया है, इसे कायराना हरकत बताया, बल्कि हर संभव मदद का परिवारजनों को भरोसा भी दिया गया है। मृतकों की पार्थिव देह को चौमू लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दो गाड़ियां परिवार के लोगों की जम्मू कश्मीर में जहां घटना हुई है रियासी में, वहां के लिए रवाना हो गई है, क्योंकि एक घायल का भी इलाज चल रहा है। और फिलहाल परिवार के लोग वहां गए हैं। और दूसरी तरफ इधर चौमू में आसपास के ग्रामीण और जो उनके पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर कोई गमजदा है, हर किसी की तरफ से इस घटना की निंदा की जा रही है। तो जम्मू के रियासी में आतंकी हमला हुआ। हमले में चौमू के पांचिया की ढाणी के चार लोगों की मौत हो चुकी है। चौमू विधायक शिखा मील भी पहुंची है पांचिया की ढाणी और मृतक के जो परिजन है उनको ढांढस बनाया है। मृतक राजेंद्र सैनी ममता सैनी से परिजनों से मुलाकात की है। विधायक ने आतंकी हमले में आपको बता दें कि पांचिया की ढाणी की बेटी पूजा सैनी और उसके परिवार की मौत हो गई। मासूम बच्चा है 2 साल का। तीनों बच्चों का कोई सहारा नहीं। रियासी में आतंकी हमले के बाद चौमू में कोहरा। तीनों नाबालिग अभी एक 11th क्लास में और अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन चल रही है और बच्ची बहुत छोटी है। पीछे संभालने वाला, सुध लेने वाला कोई है नहीं। मरने वाले 9 लोगों में से 4 लोग चौमू के रहने वाले। जो भी वहाँ पे घूमने जाए, सब श्रद्धालु घूमने जाते हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद के जो भी गतिविधियां हो रही है उनको रोका जाए। आगे अगर ऐसा होता रहेगा तो घूमने आगे कोई नहीं जाएगा, हर आदमी आतंकवाद से घबराएगा। जान गंवाने वालों में 2 साल का किचू भी शामिल। घटना है, बहुत ही दुखदायी है, दुखपूर्ण है और इस संबंध में वहाँ जो संबंधित है वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये सीसीटीवी उसी बस का है जिसमें सवार होकर करीब 50 यात्री वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन किसी को इस बात का इल्म तक नहीं था कि उनका ये सफर आखिरी सफर साबित होगा। वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले लोगों में 5 लोग चौमू के पांचिया की ढाणी के रहने वाले थे। स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में 45 साल के राजू सैनी के अलावा उनकी पत्नी ममता सैनी शामिल है। इसके अलावा पूजा सैनी और उनका 2 साल का बेटा किट्टू भी शामिल है। हालांकि पवन सैनी को हमले में घायल बताया जा रहा है,
क्योंकि परिवार का कहना है कि उनकी पवन से फोन पर बात हुई है। लेकिन पहले से इंतजार में घात लगाकर बैठे हुए दो नकाबपोश आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान के बताए गए हैं, हमारे सूत्र जानकारी दे कि पाकिस्तान से संबंधित ये आतंकी थे जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया। हमले के बाद चौमू में मातम पसरा हुआ है। सीएमओ स्तर पर जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय से बातचीत हो रही है। सीएम भजन लाल शर्मा ने इस हमले को कायराना हरकत करार दिया है, साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हमले को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बस सवार सभी यात्री शिव खोड़ी मंदिर में दर्शन के बाद माता वैष्णो देवी के लिए कटरा जा रहे थे। आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच कुछ अहम जानकारी भी हाथ लगी है। सूत्रों की माने तो ये हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया है, जिसके लिए पिछले दिनों में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में बड़ी घुसपैठ की थी। हमले के लिए आतंकी संगठन टीआरएफ से मदद ली गई। जांच में इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं। धार्मिक यात्रा पर निकले भक्तों पर आतंकियों का हमला किस मकसद से किया गया, ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन इस हमले ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं, जिससे उम्मीद है कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। जैसलमेर के साकड़ा क्षेत्र के सानावड़ा गांव से सनसनीखेज खबर सामने आई है। खेत में बनी एक हौद में गिरने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई और इस हौद में तीन बच्चों में एक भाई और दो बहनों की जान गई है। बताया जा रहा है कि भवरू राम के दो बेटियां मालू और आशु और बेटा खेलते खेलते इस हौद की तरफ चले गए। गहरे पानी में डूबने से तीनों की जान चली गई। कुछ देर बाद एक ट्रैक्टर चालक टंकी भरने के लिए आया तो हौद में एक बच्चा तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना तुरंत परिवार वालों को दी। परिजनों ने बच्चों को हौद से बाहर निकाला, तब तक तीनों की जान जा चुकी थी। वहीं परिजनों ने बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया है। फिलहाल सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर झुंझुनू के मुकुंदगढ़ इलाके में चोरों ने दो मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और इसके अलावा सिद्धेश्वर महादेव आश्रम के दान पात्र पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिए। चोरी की घटना मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। बालाजी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष उमेश सिंह शेखावत ने पुलिस थाना मुकुंदगढ़ में मामले को लेकर रिपोर्ट दी है। जानकारी की माने तो चोर आश्रम से दान पात्र को उठाकर ले गए। दान पात्र की राशि निकालने के बाद चोरों ने दान पात्र को सड़क के किनारे फेंक दिया, जिसमें पुलिस ने अब इसे बरामद किया है और आगे की कार्रवाई शुरू की है। पोखरण से खबर बताते हैं आपको, जहां पर एक युवक ने सुसाइड का प्रयास किया। युवक अब्दुल वाजिद को महिला के साथ बदसलूकी और दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में हिरासत में लिया गया था। घटना के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये मामला पोखरण का है। सोमवार सुबह आपको बताएं कि 6 बजे घटना के बाद एएसपी गोपाल सिंह भाटी, डिप्टी भवानी सिंह, पोखरण थानाधिकारी राजू राम बिश्नोई अस्पताल पहुंचे, मामले की जानकारी ली। पोखरण थानाधिकारी राजू राम ने बताया कि रविवार रात 10 बजे एक महिला के साथ छेड़खानी हुई। दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पोखरण रोडवेज बस स्टैंड से युवक को हिरासत में अब लिया गया। युवक दिव्यांग है, एक पैर से चल नहीं सकता है, जिसके कारण वो ट्राईसाइकिल का इस्तेमाल करता है। नीट की परीक्षा में हुई धांधली के मामले में आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नारेबाजी की, जमकर प्रदर्शन किया गया, आक्रोश जताया गया। शहीद स्मारक पर कार्यकर्ताओं ने ये हंगामा, नारेबाजी और प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। इस दौरान नयापुरा थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। हमारे संवाददाता के लिए सरदर्द बन रहे हैं, पूरे देश में अलग अलग तरह से विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। कोटा में भी आज एबीवीपी की तरफ से ये देख सकते हैं आप, विरोध प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिल रहा है और नीट के पेपर की सीबीआई जांच की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। किस तरह से जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कुल मिलाकर के क्या मांग आप लोगों की तरफ से है? हमारी साफ सरकार से मांग है कि अभी जो नीट का रिजल्ट आया है
उसमें ऐसा गड़बड़ी रिजल्ट में बताया गया है। कोचिंग संस्थानों की जो संस्थापक है उन्होंने भी वीडियो डालकर बताया गया है कि 720 में से 720 नंबर तो आना जायज है, बाकी 718 719 नंबर स्टूडेंट्स की आ ही नहीं सकते अभी तक, क्योंकि अगर उसमें 200 क्वेश्चन होते उसमें से 180 सही करने रहते, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते, अगर स्टूडेंट एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 716 नंबर आ सकते हैं, अगर गलत करता है तो 715 आ सकते, अगर छोड़ता है तो 716 आ सकते, 718 719 आ ही नहीं सकते। जब इसके लिए PIL दर्ज करी गई है तो NTA ने वहाँ से वो स्पष्टीकरण दिया है कि कुछ स्टूडेंट्स को बोनस अंक मिले हैं, या तो वो देरी से आए या उनके क्वेश्चन पेपर देरी से मिला, ऐसा उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। बाकी उन्होंने ये नहीं बताया कि किन किन स्टूडेंट्स को 718 719 अंक दिए, तो ये सब इन सभी के। और वहीं सीकर में भी नीट परीक्षा में धांधली को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आंदोलन तेज हो रहा है कोचिंग नगरी में। इसको लेकर आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस परीक्षा को दोबारा करवाने और जांच करवाने की मांग की गई। संगठन का कहना है कि हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो नीट UG का परिणाम जारी होने के बाद जिसमें अनेक गड़बड़ियां भी सामने आई हैं, सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य अब खतरे में है। और इसी को लेकर ABVP ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को बांसवाड़ा में ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक कांतिलाल ने बताया कि नीट अंडर ग्रेजुएट परिणाम में गड़बड़ियां सामने आई हैं जिसके चलते सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य खराब होगा, और इसी को लेकर रिजल्ट के संशोधन के साथ ही जांच भी होनी चाहिए। CBI जांच कराने की इन्होंने मांग की। इस प्रकरण में शामिल आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने की भी ज्ञापन में मांग रखी है। आज नीट UG में के परिणामों में जो गड़बड़ी हुई उसके संदर्भ में हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें कई परिणामों में गड़बड़ी पाई गई, इसको परिणाम को संशोधित रूप से फिर से जारी किया जाए और इस प्रकरण में लिप्त आरोपियों के खिलाफ CBI जांच कर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का प्रयास करें। कोटा में कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के नालों की साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों को 15 जून तक शहर के सभी नालों की सफाई के निर्देश भी दिए हैं। मॉनसून के आने से पहले नालों की साफ सफाई बेहद जरूरी है और इसीलिए ये काम शुरू हो चुका है। मानसून दस्तक देने की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन कोटा के नाले अभी तक साफ नहीं हुए हैं। शेड्यूल के मुताबिक ये नाले 9 जून तक साफ हो जाने थे, लेकिन अब तक भी कोटा शहर में दर्जनों नाले ऐसे हैं जिनकी सफाई नहीं हुई है। हर बार जब बारिश आती है, ज़्यादा बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात बनते हैं, कई इलाकों में पानी भर जाता है। वजह यही कि नालों की साफ सफाई नगर निगम की तरफ से सही समय पर नहीं की जाती। जब जल भराव होता है तब हालात सामने निकल कर के आते हैं। इसी तरह के हालात बने हुए हैं। फिलहाल एक नाले पर हम खड़े हैं, लेकिन हालात जो है वो चिंताजनक है, क्योंकि नालों की साफ सफाई नहीं हुई है और ऐसे में पानी का फ्लो नहीं बन पाता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूदा राशन कार्ड के EKYC के लिए आधार अपडेट कराने के लिए महिलाएं, पुरुष और बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी है। खासतौर पर बच्चों का आधार कार्ड बड़ी संख्या में अपडेट किया जा रहा है। लोगों की बढ़ती संख्या से दबाव ऐसा बढ़ा है कि सर्वर भी स्लो होने लगा है, इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से लोगों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए किसी तरह के कोई नए सेंटर्स खोलने का कदम फिलहाल नहीं उठाया गया है। वो वेला है, खड़े हो जाते कि हमारा नंबर है, जबकि हमने पर्ची बनाई है कि टाइम के हिसाब से ही हमको लगाओ, और हम सब पर्ची से सहमत है सर, और उसी पर्ची के हिसाब से मैं लगाओ और उसी हिसाब से हमारा कार्य करो, और जो कागज डॉक्यूमेंट है वो सबको एक साथ बता दो या चार्ट बना करके लगा दो कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे एक साथ हम ले आएंगे अपने आप देख करके, किसी प्रकार की कोई समस्या कोई परेशानी आएगी सर। भारत विकास परिषद नसीराबाद शाखा द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर की ब्लड बैंक टीम ने सहयोग दिया और शिविर में 122 रक्तवीरों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। भारत विकास परिषद नसीराबाद शाखा के रक्तदान शिविर प्रभारी गगन मेहरा और रक्तदान प्रकल्प प्रभारी अरुण जिंदल ने बताया कि शिविर सुबह 9 बजे से शुरू किया गया और साथ ही युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ इसकी शुरुआत की गई।
शाखा नसराबाद द्वारा आज श्री मेटर्निटी हॉस्पिटल नसराबाद में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें अभी वर्तमान तक 50 यूनिट ब्लड हो चुका है और शिविर अभी जारी है। इस शिविर में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की यूनिट टीम आई हुई है, जो ब्लड डोनेशन के लिए सहयोग कर रही है और प्रत्येक ब्लड डोनेटर को भारत 50% शाखा द्वारा एक एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और हेलमेट दिया जा रहा है, साथ में तुलसी का पौधा भी दिया जा रहा है। अगर आप जयपुर में दोपहिया या चौपहिया वाहन के मालिक हैं और आपके पास व्हीकल 10 या 15 साल आपका पुराना है, तो आप इस वाहन को जयपुर या एनसीआर क्षेत्र में नहीं चला सकते हैं। परिवहन विभाग ने जयपुर के दोनों आरटीओ को सख्त निर्देश दे दिए हैं, ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाए। दरअसल राजधानी में तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, जगह जगह जाम लग रहा है, प्रदूषण की समस्या आम हो गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने राजधानी जयपुर और एनसीआर में अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी के तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। ये वाहन अब जयपुर में नहीं चल सकेंगे। इसमें भी एक अभियान चल रहा है, जो 15 वर्ष पुराने इसके पेट्रोल के व्हीकल हैं, कॉमर्शियल व्हीकल हैं, और 10 साल पुराने डीजल के कॉमर्शियल व्हीकल हैं, उनको भी चालान किया जा रहा है, उनको मना किया जा रहा है कि आप इसको नहीं चलाएं और रिप्लेस करें। और जो रिप्लेस नहीं करते हैं और ऐसा आता है कि चालान होने के बाद नहीं करें, तो उनको सीज भी किया जा रहा है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राजसमंद कलेक्टर पर जाकर जमकर प्रदर्शन किया है। मानव श्रृंखला बनाकर देखे तस्वीरों में किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए परिणाम में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, इनका कहना है कि एक ही परीक्षा केंद्र के कई अभ्यर्थियों ने अव्वल कैसे किया, टॉप कैसे आ गए, इससे साबित होता है कि परीक्षा में धांधली हुई है और कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजसमंद द्वारा जो नीट जो एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है, उसके अंदर कई भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए हैं, जिसके अंदर एक ही क्लासेस के कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट टॉपर पाए गए, उसके विरोध प्रदर्शन में ये आज प्रदर्शन किया गया। राजसमंद मांग ये है कि ये जो ये इसकी सीबीआई जांच की जाए, एनटीए ने जो टेस्ट कराया है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और क्योंकि ये जो परिणाम है नीट का, ये जो चुनाव का जो परिणाम था लोकसभा का, उसी दिन ये परिणाम भी आया है और एक ही क्लासेस के 50 स्टूडेंट टॉपर निकले हैं इससे। और अब ये खबर जोधपुर से है, जहां पानी की समस्या को लेकर गांव वालों ने धरना दिया है। जलदाय विभाग की पानी की टंकी के नीचे ग्रामवासी ग्रामीण धरने पर बैठ गए। तस्वीरें आपके सामने देखिए, दरअसल यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि पिछले 4 साल हो चुके हैं, पानी की समस्या का अब तक यहाँ पर समाधान नहीं हुआ। बनार गांव का एक पूरा मामला है, खेत में पानी माफिया एक्टिव है, सरकारी पानी को टैंकर में भर कर बेच देते हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण टंकी के नीचे इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। आप देखिए, ये समस्या जो है पिछले 4 सालों से बनी हुई है। बनार ये गाँव और यहाँ के जो ग्रामीण है आज सड़कों पर उतर आए। पानी माफिया के एक्टिव होने की बात कही जा रही है इस क्षेत्र में। सरकारी पानी को टैंकर में भरकर ये लोग बेच देते हैं और ये सब कुछ पानी माफिया कर रहे हैं। बनार गांव में 40 साल पहले जो पानी आता था वही आज पानी आ रहा है। आज हम 4 साल से पानी वाटर बॉक्स में संघर्ष करने पानी के लिए, लेकिन अभी तक अधिकारी नेता कलेक्टर सभी ने आश्वासन दिया, लेकिन हमें कुछ अभी तक नहीं कर पाए। ना अभी तक पानी की समस्या का समाधान हुआ है। अगर आज पानी की समस्या का समाधान एक्शन ऐसे यहाँ पर नहीं करेंगे तो हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और तीसरी बार एनडीए सरकार के गठन के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। दौसा से नवनिर्वाचित सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि पीएम मोदी ने जनाधार खो दिया है। नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी को पीएम पद की शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, ये मुरारी लाल मीणा ने कहा है। साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दौसा से हाल ही में सांसद बने मुरारी लाल मीणा है। सर, राजस्थान को भी साधने की कोशिश की गई है मंत्रिमंडल में, भले ही चाहे बीजेपी की सीटें कमाई हो, लेकिन जाट एससी और काफ़ी सारे जो यादव, इनको मंत्री बनाए गए हैं। क्या मानते हो कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या कहोगे? पहले तो
मेरे हिसाब से मोदी जी ने जो शपथ ली है वही ठीक नहीं है कि मोदी जी ने जनाधार खो दिया। उनकी पिछली बार 350 सीट के आसपास थी एनडीए की, इस बार मात्र 240-42 सीट पर रह गए। आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि राजीव गांधी जी जब प्रदेश के प्रधानमंत्री थे और जब चुनाव हुए थे जब जाकर उनकी सीट 200 रह गई थी और सबसे बड़ी पार्टी देश में थी, लेकिन राजीव गांधी ने मना कर दिया और भाई मैं प्रधानमंत्री रहते हुए मेरी सीटें 50% रहेगी इसलिए मैं शपथ नहीं लूँगा। तो मोदी जी ने जल्दबाजी में ये शपथ ली है और जहाँ तक मंत्रिमंडल का गठन किया है कि हमने पिछली बार देख रखे 10 साल तक उनकी क्या कार्य प्रणाली रही है। ये मुझे ज़रूर खुशी है कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में गई थी जनता ने उन मुद्दों को एक्सेप्ट किया था। और इसी खबर के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।